देवताओं का राजा कौन? इंद्र। देवताओं का राजा कौन? इंद्र। देवताओं का राजा कौन? इंद्र। अच्छा, इंद्र के पास वज्र देखा लो? कांटा नहीं रहा। कांटा नहीं, वो किसके हड्डी से बना था मालूम है? या देखा, दधीची मुनि की हड्डी से बना था वो वज्र। किसके? दधीची मुनि। बोलो दधीची मुनि। दधीची ने दधीची जोर से बोला, दधीची खींची, दधीची दधीची ऋषि मुनि की हड्डी से बना था। दधीची दधीची पूछेगा कि किसकी हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, तो दधीची मुनि के हड्डी से बना था, शक्तिशाली बना था। जितना भी मतलब अस्त्र शस्त्र बना ना, सब किसके? ऋषि मुनि की हड्डियों से बना था। समझ बुआ, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? क्या बना था? काटा। काटा नहीं बना था, वज्र बना था। उसका नाम क्या था? वज्र। वह वज्र से प्रहार किया था कौन? भगवान हनुमान जी को। हनुमान जी का जब सूरज को लीलने जा रहे थे, सूरज को लीलने का जा रहे थे, लील गए थे। सूरज भगवान को सेब समझ के भूख लगा था बेचारे को, बोले कि आह ये तब खैबे करेंगे, उड़ जाते हैं। उस समय एक और रहता है, का नाम है इसका, खली गर्दनवा है, उसको मर के भगा देते हैं हनुमान जी। कहता नाम हुआ भूल गया, राहु 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 आता है, बोलता है कि नहीं सूरज को आज हम खाएंगे, हमारा दिन है। हनुमान जी बोलते हैं कि यार इतना लाल सेब हम छोड़ेंगे का, चटकदार हम तो घींच जाएंगे आज इसको। बेचारे जाते हैं, राहु को मार के भगा देते हैं। सांप मुंह इतना ना बड़का पाते हैं, सूरज को खा जाते हैं। सूरज के नजदीक कोई नहीं पहुंच सकता है। जटायु दो भाई था लोग ना, उड़ा था लोग सूरज के, सूरज को छूने के लिए। तो एक भाई नहीं रह गया, दूसर का भाई का पंख जल गया। तो एगो का सीता जी को जब रावण उठा के ले जा रहा था ना, तो एगो लड़ते लड़ते मर गया, रावण क्या किया पंख काट दिया। और दूसर का हनुमान जी जब जा रहे थे लंका, तो उसी समय समुद्र किनारे भेटाया था दोनों भाई। समझ हुआ, तो सूरज को कोई छू नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी देवताओं का एक पुत्र थे, साफ सूरज को लील गए। अब देवराज इंद्र खिसिया गया, देवताओं का राजा खिसिया गया, लेके वज्र चला देता। आ देखो, इंद्र के पास सबसे शक्तिशाली हथियार कौन है? यही कहे वज्र है, इसके अलावा उसके पास कोई हथियार नहीं है। देखो कृष्ण लीला में देखेंगे तो कृष्ण लीला में भगवान भगवान कृष्ण जी एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाए थे, एक अंगुली पर। तो उस समय वो किसका प्रहार किया था? वज्र का ही प्रहार किया था। वज्र का प्रहार करके बारिश करवा दिया था। कृष्ण जी बोले कि ओ तुमको घमंड हो गया कि हमारा वज्र सबसे शक्तिशाली है, उठा लेते हैं गोवर्धन पर्वत एक अंगुली। कानी अंगुली पे उठा लो। अरे तो हम भी तो यही अंगुली दिखा रहे हैं, ये कौन सा अंगुली है? कानी ना है। चलो तो कहाँ पे हम लोग? देवताओं का राजा कौन है? इंद्र।